Hi guys, wish you a very very good morning. This is me, Aisha Joshi, and you are watching me on the channel of Achieve IAS. As we all know, we are going to discuss the Hindu's news analysis today, and this is 12th May, Tuesday, third phase of lockdown. Okay, so let's start today's article analysis. The first is Modi asks states to prepare for ramping up economic activities. What it is basically, मोदी जी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस किया था. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उन्होंने सभी सीएम से जो है इंटरेक्ट किया था, और इसी के थ्रू उन्होंने कुछ न्यू प्लान्स जो हैं बनाए हैं, और उनके द्वारा स्टेट्स जो हैं सीएम्स को भी यह निर्देश दिए गए हैं कि वो भी कुछ ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रैंप अप करने की कोशिश करें, कि ऐसे प्लान्स बनाए जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वापस से अपनी ट्रैक पर आ सकें. ठीक है, मोदी जी ने स्टेट से कहा है, स्टेट गवर्नमेंट से कहा है कि वो अपने अपने स्टेट्स में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट एक्शंस हैं वो लें. और इसी के तहत ये भी डिस्कस किया गया कि कैसे लॉकडाउन को ओपन किया जाए और किस तरीके से वापस नॉर्मलसी लाने की कोशिश की जाए. इसी के तहत कुछ 5 राज्यों के जो सीएम्स हैं उन्होंने ये सजेशंस दिए कि अभी फ़िलहाल लॉकडाउन को एक्सटेंड करने की ज़रूरत है, जिनमें वेस्ट बंगाल और तेलंगाना और भी बिहार, अन्य कई सारे जो है 5 राज्य हम कह सकते हैं ओवरऑल सम्मिलित थे, जिनका ये सजेशन था कि लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाना चाहिए. इसी के तहत पीएम नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा है कि जो ग्रीन जोन में आने वाली स्टेट्स हैं या आने वाली सिटीज़ हैं, उन्हें वापस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिबूट करने की ज़रूरत है, वो भी सिक्योरिटी मेजर्स के साथ में. इसी के साथ में दिल्ली गवर्नमेंट के साथ में भी दिल्ली जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके द्वारा कुछ सजेशंस दिए गए. उनके द्वारा ये कहा गया कि किस तरीके से अलग तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिज्यूम करने के लिए हमें जो है केंद्र सरकार की मदद की ज़रूरत है, और ऑलरेडी उनके द्वारा कुछ डिमांड की गई है. उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो 11 जो ग्रीन जोन में रेड जोन में डाले गए जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हें ग्रीन जोन में लाना चाहिए, जिससे कि हम अपनी एक्टिविटीज़ को रिकन्स्ट्रक्ट कर पाएँ. ओके, सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अभी आज की डेट में हमारी प्रायोरिटी बन गई है. आप देख सकते हैं जैसे कि लिकर शॉप्स वगैरह भी ओपन कर दी गई है गवर्नमेंट द्वारा. तो उसका रीज़न यही है कि हम इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डाउन जा चुके हैं, एंड COVID-19 इज़ नॉट हम कह सकते हैं ऐसी कोई चीज़ नहीं है, या ऐसी इसका सॉल्यूशन ये एक ही दिन में निकालना पॉसिबल नहीं है. प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्लियर दी COVID-19 जस्ट ओवरनाइट, एंड इवन इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि हम इसको इतना ईजीली नॉर्मलसी लेकर आ सके अपनी रूटीन लाइफ में, है ना. तो सरकार का और अन्य जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा ये निर्णय लिया जाता है या ये सजेशंस दिए जाते हैं कि इस प्रकार अगर चलते रहे तो इकोनॉमी पूरी तरीके से ज़ीरो पर चली जाएगी. इसलिए हमारी ज़रूरत है कि राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर तथा केंद्र सरकार अपने स्तर पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिबूट करें, उन्हें फिर से रैंप पे लाए, और इसी तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल में करते हुए, उनको वापस से स्टार्ट करते हुए और अपनी नॉर्मल सी लाते हुए हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम COVID-19 से भी बचने के प्रयास को निरंतर जारी रखें, ना कि उसमें कोई ढिलाई जो है दिखाएं, जिससे कि अन्य काफ़ी क्षेत्र ऐसे हैं जिनको प्रभावित किया जा सकता है COVID-19 द्वारा. इसलिए हमारी ज़रूरत है कि हम COVID-19 और इसके मेजर प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए हमारी इकोनॉमी को वापस ट्रैक पर लाने की प्रयास करें, और इसके लिए महत्वपूर्ण प्रयास केंद्र सरकारों द्वारा ही पॉसिबल हो सकते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट कांट डू एनीथिंग, दे जस्ट कैन गिव इंस्ट्रक्शंस एट ऑल, बट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द अथॉरिटीज़ टू रिबूट और रैंप अप देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ओके, नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है इंडिया एड्स 4,213 केसेस इन हाईएस्ट सिंगल डे राइज. कल की बात है ये कि एक 24 घंटे के अंदर सबसे ज़्यादा करीब 4,213 केसेस सामने आए हैं, जिसमें से आपको बता दूं
कि ऑलमोस्ट 30% जो रिकॉर्डेड केसेस हैं इंडिया के अंदर वो मैक्सिमम लेवल पे जो है महाराष्ट्र से देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन देखने को मिल रही है, जो अपने आप में एक बहुत, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए ले लीजिए चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ले लीजिए, अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है उसको ओवरकम कर पाना। बिकॉज महाराष्ट्र इज़ अ प्लेस विथ मैक्सिमम लेवल ऑफ डाइवर्सिटी और वी कैन से पॉपुलेशन, एंड वहाँ पे ये जिस एरिया में स्प्रेड हुआ है दैट इज़ दी रूरल स्लम एरिया, उस स्लम एरिया में स्प्रेड होने की वजह से COVID-19 को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है और रेगुलर कंटिन्यूस मैक्सिमम केसेस उसी एरिया में बढ़ते चले जा रहे हैं। धारावी स्लम एरिया है, वहाँ पे इन केसेस को मैक्सिमम लेवल पे देखा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं। देखिए, एक इंटरनेट इशू चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट इशू जो है 4G फैसिलिटी को लेकर वापस से एक प्ली सॉर्ट की गई है, जिसके अंदर रीस्टोर किए जाने की मांग की गई है 4G फैसिलिटी की। तो लेट्स सी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है ये निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ 4G के जो टेक्नोलॉजी है या 4G फैसिलिटी जो है इंटरनेट की वो प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, पुलिस मैन जो है अभी उन्होंने अब्यूज़ किया है स्कूल टीचर को, हाई हैंडेडनेस। अब देखिए, एक हाई हैंडेडनेस मतलब खुद के अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए कुछ जो है गलत तरीके से बिहेव करना, जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है पुलिस मैन की छवि पर। इवन मैं कह सकती हूँ जहाँ पे पूरे देश में मैक्सिमम लेवल पे जो हम कह सकते हैं प्रभाव देखने को मिल रहा है वो पुलिस मैन का ही देखने को मिल रहा है, और मैक्सिमम लेवल पे वो बहुत प्रयास कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ एक दो केसेस ऐसे हो जाना ये निर्धारित नहीं करता कि पुलिस मैन या ये डिपार्टमेंट ही कहीं फॉल्टी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, जिन लोगों द्वारा, जिन पुलिस मैन द्वारा ये किया जा रहा है उनके खिलाफ कार्यवाही बनती है, लेकिन हम एक या दो केसेस के बेसिस पर पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वो अपने अथक व दिन रात प्रयासों द्वारा इस देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगी माइग्रेंट एक्सोडस चौक्स महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर। आपको बता देती हूँ कि जैसा कि वापस से एक निर्णय लिया गया था सरकार द्वारा कि हम लोग माइग्रेंट्स को अपनी अपनी जगह पर पहुंचाएंगे, माइग्रेंट्स को वापस अपनी निर्धारित स्थान पर या अपने नेटिव प्लेसेस पर पहुंचाने के लिए फेरी ट्रेन्स भी स्टार्ट की गई हैं, और इवन आज से काफ़ी सर्विसेज भी बताई जा रही है, दिल्ली से ट्रेन्स और भी फर्दर स्टार्ट की जाएंगी। तो उनको देखते हुए महाराष्ट्र और एमपी का बॉर्डर जो है वो चौक हो चुका है, पूरे सिक्योरिटी मेजर्स धरे के धरे रह गए हैं, क्योंकि सारे जो है ट्रक्स में ले लीजिए या चाहे और भी व्हीकल्स ले लीजिए, उनमें बुरी तरीके से माइग्रेंट्स को जो है माइग्रेंट्स अपने अपनी जगह पर जाने के लिए उतावले हो रहे हैं, जिससे कि स्क्रीनिंग और जो टेस्टिंग है ये सब तो बहुत दूर की बात है, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग या सैनिटाइजेशन या अन्य मास्क अदर जो फॉर्मेट्स हैं उन्हें भी यूज़ नहीं लिया जा रहा है। तो उसको देखते हुए सरकार को ये सख्त ज़रूरत है कि वो इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और प्रभावी कार्यवाही करे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एडिटोरियल एनालिसिस। देखिए, एक ये जो आर्टिकल है इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आंध्र प्रदेश टू सेंड बैग 13,000 टन स्टायरीन टू साउथ कोरिया। आपको बता दें कि हम स्टायरीन का एक बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं जो कि साउथ कोरिया से होता है, और फिलहाल हाल ही के दिनों में हुआ, जो लास्ट 3 डेज बैक जो इंसिडेंस हुआ है विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश के, जहाँ पे गैस लीक हो गई है, स्टरीन गैस के लीक हो जाने के कारण उस एरिया में बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ या हम फिज़िकल इश्यूज़ देखने को मिले हैं। करीब 12 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी काफ़ी लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं और बहुत से लोगों पर इसका इफ़ेक्ट देखने को मिला है। तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने ये फैसला लिया है कि उनके द्वारा जो स्टायरीन गैस मंगवाई गई थी, अब तक 13,000 टन जो हमारे पास अवेलेबल है, वो 13,000 टन हम लोग दो इंस्टॉलमेंट, दो कंसाइनमेंट्स के अंदर 8,000 टन एक बार में और 5,000 टन या हम कह सकते हैं 5,000 टन एक बार में, इस तरीके से दो लॉट के अंदर हम इस स्टायरीन गैस को वापस से साउथ कोरिया भेज देंगे।
उसको वापस भेजने का मकसद ये है कि इससे होने वाले आने वाले नुकसानों से बचना। और इसी के अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर ये भी फैसला लिया है कि ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जो कि ऐसे कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि जो लिविंग एरियाज़ में अवेलेबल है, तो हम उन्हें उन क्षेत्रों से बाहर ले जाकर अन्य दूसरी जगहों पर स्थापित कर देंगे। ऐसा विचार विमर्श अभी तक किया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा। इसके अलावा मिस्टर रेड्डी ने ऐसे बहुत सारे जो है मापदंडों पर डिस्कस किया केंद्र सरकार के साथ में भी और अपनी राज्य सरकार के अन्य मंत्रियों व कार्यकर्मियों के साथ भी कि इस तरीके की घटनाओं से बचने के लिए हमें जो भी महत्वपूर्ण प्रयास है वो करने चाहिए। और इसके अलावा जितने भी जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उनको वापस से उनके निरीक्षण की आवश्यकता है, तथा जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है जो कि रेजिडेंशियल एरियाज़ में हैं उन्हें रिलोकेट करने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। ठीक है, आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो इक्वल फ्रीडम एंड फोर्स्ड लेबर, ये जो आर्टिकल है ये गौतम भाटिया जी का है। उनके अनुसार जो अभी रिसेंटली काफ़ी स्टेट्स ने ये जो है स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये निर्णय दिया है कि हम लेबर लॉस को लागू ना किया जाए, ऐसी मांग की गई है उनके द्वारा। तो अपने आप में ये जो है एक बिल्कुल भी वैलिड डिमांड नहीं है, बिकॉज़ जैसे कि फ्रीडम बेसिस पर अगर बात की जाए तो सारे ही फ्रीडम, सारे ही जितने भी जो लॉज हैं वो अभी भी सब जगह पर लागू है, हर तरीके के, चाहे आप रिजर्वेशन बेसिस पे ले लीजिए या और भी जितने भी तरह के लॉज हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, वो अभी भी इन एनी केस हम उन्हें टच नहीं कर सकते। तो ये हमारी ज़रूरत है कि इन केसेस, ये जो लेबर फोर्स के लिए जो लॉज बनाए गए हैं उन्हें भी रिमूव ना किया जाए, उन्हें भी रेगुलेट किया जाए, क्योंकि ये किसी भी तरीके से न्याय संगत हमारा स्टेप नहीं होगा। ठीक है, तो सरकार की ये ज़रूरत है, सरकार द्वारा राज्य सरकारों के इस प्रस्तावों को बिल्कुल जो है नेगोशिएट कर देना चाहिए, इवन जो है इस पर कार्यवाही भी करनी चाहिए कि लेबर लॉज रिमूव ना किए जाए, क्योंकि इन्हें रिमूव करना बिल्कुल भी संवैधानिक नहीं है। हम कह सकते हैं ये बिल्कुल असंवैधानिक गतिविधि होगी अगर इस तरह की घटना घटित होती है तो, बिकॉज ऑलरेडी लेबर्स जो है COVID-19 के दौर में हम लोगों ने जो है लेबर्स ने COVID-19 ही नहीं इवन पेंडेमिक से भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है। तो उसके चलते हम ये कह सकते हैं कि सरकार द्वारा इस तरीके से लेबर लॉस को रिमूव करना अपने आप में एक बिल्कुल भी हम कह सकते हैं न्यायिक जो है न्याय संगत जो है स्टेप नहीं होगा। बिकॉज देखिए, लेबर्स ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज को इन दिनों में जो फेस कर रहे हैं। COVID-19 तो उनके लिए एक सेकेंडरी मैटर था, उससे पहले उनके लिए एक सबसे बड़ा मैटर था हंगर, जिसे उन्होंने फेस किया, जॉबलेस हो जाना, फैमिली से दूर होना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए वो लेबर्स चल रहे हैं। इवन इसी दौर में काफ़ी सारे लेबर्स ने तो अपनी जान भी गंवा दी। तो ये सब देखते हुए हमें नहीं लगता है, और उसके बाद में इस तरीके से लेबर लॉ उसको रिमूव करना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप होगा, जो कि पूरी तरीके से ये शो करेगा कि हम लेबर्स को लेकर बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेबर्स को लेकर बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है। तो हमारी ये ज़रूरत है कि हम इन फ्रीडम या ये जो इक्वल फ्रीडम है या जो ये लॉज है लेबर लॉज हैं उन्हें लागू होने दें, उन्हें एज इट इज़ रहने दें और इन पर होने वाले ओवरटेक को रोक सकें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल आता है वो आता है कंसेंशस नॉट कन्फ्यूजन। ये भी लेबर लॉस से रिलेटेड है, जो लेबर से या रिलीफ ट्रेन से रिलेटेड। बेसिकली देखिए, रिलीफ ट्रेन्स विल ग्रेटली एड स्ट्रेंडेड पीपल बट स्टेट्स मस्ट हैव अ कॉमन कोड फॉर हेल्प। देखिए, रिलीफ ट्रेन्स ज़रूर दी जा रही है और अपने आप में एक बहुत बड़ा हेल्प जो है क्रिएट कर रही है, हेल्प दे रही है ये लेबर्स को या अन्य जो लोग माइग्रेंट्स हैं उन्हें, लेकिन राज्य सरकारों की ज़रूरत है कि वो भी एक कॉमन कोड हेल्प के लिए अप्लाई करें, ना कि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट करें। देखिए, केंद्र राज्य सरकारों द्वारा बहुत से हम कह सकते हैं तर्कसंगत फैसले लिए जा रहे हैं, जिसके अंदर बहुत जो है काफ़ी सारी राज्य सरकारों ने अपने अपने तौर तरीक़ों से अपने अपने नियम कायदे कानूनों के तौर पर माइग्रेंट्स को एक्सेप्ट करने की या उन्हें जाने की अनुमति देने का विचार विमर्श किया है।
जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेंटर के अंदर 15 ट्रेन चलाई जा रही है और दिल्ली और मेजर सिटीज़ के बीच में चल रही है ये ट्रेन्स। तो ये सारी जो है ट्रायल ट्रेन्स है जो कि रिलैक्सेशन देती है लॉकडाउन के दौर में। और द न्यू ट्रेन्स आर अ लाइफ लाइन फॉर स्ट्रैंडेड सिटीजन। आपको बता दें कि नई ट्रेन्स को भी लागू करने का फैसला लिया गया है, तो अपने आप में ये जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए एक लाइफ लाइन के रूप में सामने आएगी। ऑल दो द स्कीम हैज़ बीन डिज़ाइंड एज अ लिमिटेड एयर कंडीशन सर्विस फॉर हायर फेयर पेइंग ट्रैवलर्स, जो ज़्यादा पे कर रहे हैं, ज़्यादा जो किराया दे रहे हैं उनके लिए लिमिटेड एयर कंडीशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाई जा रही है। 1,000 माइग्रेंट वर्कर्स ऐसे हैं जो कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स के अंदर ही अपने घर को लौट रहे हैं। देर आर मल्टीपल चैलेंजेस टू ऑपरेटिंग ट्रेन्स व्हेन द ट्रांसमिशन ऑफ द नोवल कोरोना वायरस इज राइजिंग। जिस समय नोवल कोरोना वायरस कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है, इसका ट्रांसमिशन बढ़ता चला जा रहा है, उस समय में काफ़ी सारी ऐसी ट्रेन्स हैं जो कि ऑपरेट की जा रही है। अपने आप में ट्रेन्स को ऑपरेट करना एक चैलेंज के रूप में सामने आया है, क्योंकि इन ट्रेन्स जो फेरी ट्रेन स्टार्ट की गई है इनके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को लेते हुए या माइग्रेंट्स को रिलैक्सेशन के थ्रू या उनके एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए उन्हें प्रॉपर वे में जो है सफ़र करने के लिए हेल्प करना। तो पुलिस या सिक्योरिटी या हम कह सकते हैं ट्रेन सर्विसेज, इवन रेलवे सर्विसेज को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मैनी स्टेट्स हैव सिवियरली रिस्ट्रिक्टेड द अराइवल ऑफ डोमेस्टिक ट्रैवलर्स। काफ़ी सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने डोमेस्टिक ट्रैवलर्स को अराइव करने से स्ट्रिक्टली बिल्कुल रोक दिया है कि वो नहीं ट्रैवल कर सकते। लेकिन बट देयर अटेम्प्ट्स एट रेगुलेटिंग एंट्री बाय रोड थ्रू पासेस इशूड ऑनलाइन हैव बीन ओवरवेलम। लेकिन उन जो जिन स्टेट्स ने ये फैसला लिया है कि वो ट्रेन्स के थ्रू जो है स्ट्रिक्टली डोमेस्टिकली जो है रेगुलेट कर रहे थे या उनको रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे, वहाँ पर ऑनलाइन जो है पासेस की जो प्रोसीजर है, ऑनलाइन इशू हो रहे जो पासेस का प्रोसीजर है बाय रोड ट्रैवलिंग करने का, वो ओवरवेलम कर रहा है। एंड द पास सिस्टम इज़ बिकम डिसफंक्शनल। क्वारंटाइन फैसिलिटी हैव कम अंडर स्ट्रेन। क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ भी जो है स्ट्रेन में आ गई है। इवन पासेस बनाने की जो प्रक्रिया है, इशू करने की जो प्रक्रिया है, वो भी बिल्कुल काम नहीं कर रही है, डिसफंक्शनल हो चुकी है। एज इन केरला हैव एडेड टू देयर वरीज़। केरला में भी इस तरह के जो है प्रॉब्लम सामने आई है, जिस समय देखा जा रहा है कि जहाँ पे पूरी तरीके से केरला वाइप आउट हो चुका था, कर चुका था COVID-19 को, उसी दौर में एक और पॉजिटिव आना अपने आप में केरला के लिए एक टेंशन की बात हो गई है। इसी के बीच में कर्नाटका वांट्स अ कंपल्सरी 14-डे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फॉर ट्रैवलर्स। तो कर्नाटका जो है वो 14-डे का क्वारंटाइन जो है मांग रहा है कि इंस्टीट्यूशनल उन्होंने कंपलसरी कर दिया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने, कि जो भी ट्रैवलर बाहर से आ रहा है उसको कंपलसरी है 14 डेज के क्वारंटाइन में रहना। While this underscores the high degree of caution that many states wants to adopt, it severely restrict interstate movement. काफ़ी सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि इंटर स्टेट मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, रोका जाए, इस तरीके से केसेस बढ़ जाएंगे, है ना। केरला मोर रीजनेबली, और केरला तो सबसे ज़्यादा जो है इस फेवर में है कि इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की एक्टिविटीज़ को रोका जाए। और जो लोग बाय रोड जो है स्टेट में आ रहे हैं विद परमिशन, उन्हें भी होम क्वारंटाइन खुद को करना होगा आफ्टर इनिशियली कंसीडरिंग इंस्टीट्यूशनल मॉनिटरिंग। इंस्टीट्यूशन द्वारा जो भी मॉनिटरिंग करनी है इनिशियल लेवल पे, वो सब किए जाने के बाद में उन्हें होम क्वारंटाइन करने की परमिशन लेनी होगी, और ज़रूरी है कि उन्हें होम क्वारंटाइन करना। द सेंटर हैज़ लेफ्ट सच डायलेमाज टू बी रिजॉल्व बाय द स्टेट एंड द होम मिनिस्ट्री स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोटोकॉल। ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल फॉर द रिलीफ ट्रेन सर्विसेज मेयरली ऑर्डर्स पैसेंजर्स टू अदर टू हेल्प प्रोटोकॉल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डेस्टिनेशन स्टेट और यूनियन टेरेटरीज। ये तो अब इन सारे मुद्दों को देखते हुए, इन सारे राज्य सरकारों के प्रस्तावों को देखते हुए या उनके नॉर्म्स को देखते हुए, होम मिनिस्टर की ये ज़रूरत है, होम मिनिस्ट्री की ये ज़रूरत है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये ज़रूरत है कि वो कुछ महत्वपूर्ण जो हम कह सकते हैं निर्णय ले के राज्य सरकारों के तहत, और ये जो प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं, हेल्थ प्रोटोकॉल्स जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं, और हेल्थ प्रोटोकॉल्स को
प्रिस्क्राइब करते हुए स्टेट गवर्नमेंट से निर्णय ले डिस्कस करते हुए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लें जिससे कि सारे स्टेट्स के अंदर एक जो है कॉमन लॉ जारी हो सके, ना कि अलग अलग स्टेट्स अपने अपने लेवल पे अलग अलग जो है प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ओके, जैसे कि हम लोग जो है लॉकडाउन एक्सटेंड होने का लास्ट वीक चल रहा है, लास्ट हमारा जो है टाइम पीरियड है जिसमें हम लॉकडाउन को सफ़र कर रहे हैं, तो हमारे लिए स्टेट्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करें और कैसे ट्रैवलर्स से डील करनी है, कैसे उनके नंबर्स जो है उनको रोकने से बढ़ना है, कैसे सॉरी बढ़ने से रोकना है, कैसे आने वाले दौर में COVID-19 से बढ़ते हुए केसेस को स्टॉप करना है, ये सारे प्रोटोकॉल्स को गवर्नमेंट फॉलो करें और ट्रैवलर्स को किस तरीके से हैंडल करना है ये सिचुएशंस को फॉलो करें। ये सारी चीज़ें राज्य सरकार और केंद्र सरकारों दोनों को मिलकर सोचनी होगी और फिज़िकल डिस्टेंसिंग की जो सर्कुलेशन है या हम कह सकते हैं और भी जो भी मेजर इश्यूज हैं उनको ध्यान में रखते हुए और जो हम कह सकते हैं रूल्स को फॉलो करते हुए कैसे इन्फेक्शंस को ना बढ़ाने से बढ़ते हुए हम कह सकते हैं बढ़ने से रोकते हुए हमें कैसे इंपॉर्टेंट मेजर्स को फॉलो करना है, इन सारे डिसीजंस को लेते हुए राज्य और केंद्र सरकारों को आपस में एक हम कह सकते हैं कॉमन जो है नॉर्म्स को या रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए एक लिस्ट जो है इशू करनी होगी, गाइडलाइन इशू करनी होगी, बिकॉज बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है या बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं। ट्रेन्स एंड बसेस आर दी मोस्ट अफोर्डेबल वेज, ट्रेन्स और बसेस जैसा कि एक बहुत ही अफोर्डेबल वे है अपने घर जाने के लिए, तो इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको कैसे फैसिलिटेट करना है, इनको कैसे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के साथ में अपने अपने जगह पर पहुंचाना है जिसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग, यूज़ ऑफ मास्क और हैंड वॉशिंग या सैनिटाइजिंग जो है कंपल्सरी होना चाहिए। सिटीजन्स को ये भी ध्यान में रखना होगा कि कैसे किस राज्य में जाते हुए किस सरकार द्वारा क्या क्या नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे हैं और ट्रेन्स और रोड ट्रैवल के द्वारा उन्हें कैसे फैसिलिटेट किया जा रहा है। एट दी डेस्टिनेशन अनलेस मेडिकली वॉरंटेड पैसेंजर्स कैन सेल्फ क्वारंटाइन एट होम, और ये जो मेडिकली वॉरंटेड या हम कह सकते हैं मेडिकली जो है इतना आपको सुनिश्चित करना होगा कि पैसेंजर्स खुद अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करें अपने घर पर। दिस इज़ समथिंग दैट द सेंटर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड इवन फॉर वेरी माइल्ड प्री सिम्टमिक पेशेंट्स, जो लोग प्री सिम्टमिक हैं या बहुत जिनमें कम हम कह सकते हैं ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हमें होम क्वारंटाइन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो मैक्सिमम लेवल पे केसेस है जो कि ज़्यादा इफ़ेक्टेड दिख रहे हैं, ज़्यादा इफ़ेक्टेड जो केस सामने आ रहा है उसे मेडिकली जो है वो जो भी मापदंड है वो दिए जाने चाहिए। इसके अलावा एक पेच वर्क है रूल्स का और रेगुलेशंस का जो हमें क्रिएट करना होगा और स्टेट्स के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली या जो नीडलेस एंग्जाइटी क्रिएट कर रहे हैं लोगों के अंदर, इन सारे जो ट्रैवलर्स के अंदर जो कंफ्यूजन्स या जो एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है उनको रिमूव करने के लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशंस का पेच वर्क जो है वो जारी करना होगा स्टेट्स के अंदर। तो ये राज्य केंद्र सरकार की ज़रूरत है कि वो राज्य सरकारों के अंदर इन सारे नॉर्म्स को जो है सिमिलराइज करते हुए सभी स्टेट्स में इक्वल नॉर्म्स और रेगुलेशंस को जारी करें। अब हम बात करेंगे वेलकम चेंज, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी से रिलेटेड। आपको पता है कि हम प्लाज्मा थेरेपी एक थेरेपी है जो न्यूली इन्वेंटेड थेरेपी है। देखिए वैसे तो हम मलेरिया और हम कह सकते हैं और भी हमने कई सारी जो है ऐसी बीमारियों को देखा है जिसके अंदर हमने को प्लाज्मा थेरेपी को फॉलो किया और बिल्कुल हम इसके अंदर सक्सेसफुल जो है हमारा वो रहा है रेबीज, चिकन पॉक्स, मीसल्स, इस तरह के काफ़ी सारे जो है बीमारियों के तहत हमने इस थेरेपी को यूज़ में लिया और बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट्स मिला है, काफ़ी बेनिफिट्स मिले हैं। तो अब हमारी ज़रूरत है कि अभी भी मैं आपको बता दूं कि सेकेंड फेज़ जो है सार्स COVID-19 के लिए जो यूज़ में लिया जा रहा है प्लाज्मा थेरेपी को, उसके अंदर हम लोगों ने सेकेंड फेज़ को भी क्लियर कर दिया है जिसके अंदर माइल्ड सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे, जिसमें मतलब हम कह सकते हैं जिनमें सिम्टम्स थे भी लेकिन बहुत मैक्सिमम लेवल पे नहीं थे, ऐसे पर्सन पर इस थेरेपी को टेस्ट किया गया है और वो बिल्कुल जो है पॉजिटिव टेस्ट गया है। तो उसको देखते हुए हमें ये उम्मीद है आने वाले टाइम में कि हम
सार्स कोविड 19 को जल्द ही इस थेरेपी के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। और ये एक थेरेपी है जिसके अंदर जो बिल्कुल क्योर्ड पर्सन है इसी बीमारी से गुजर कर, जो बिल्कुल ठीक हो चुका है, इट मीन्स उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके कुछ प्लाज्माज को लेकर उसमें इंसर्ट किए जाते हैं जिसकी इम्यूनिटी है, जिसका जो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस पावर है, या हम कह सकते हैं इस बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता वो कम है, उसमें इंसर्ट किया जाता है। और इसको इंसर्ट करने के बाद में ये सुनिश्चित किया जाता है कि उस पर्सन में भी वैसे प्लाज्मा क्रिएट हो, वैसी जो है शक्ति, वैसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता क्रिएट हो जिससे कि इस बीमारी से वो लड़ सकें। तो ये एक थेरेपी है जिसे फॉलो किया जा रहा है, काफ़ी सारी बीमारियों के दौर में भी फॉलो किया गया है आज से पहले, और वो बिल्कुल सक्सेसफुल भी गया है। इस आर्टिकल को जब आप पढ़ेंगे तो आप, अब हमारी ये ज़रूरत है, आपको सबको समझ में आ जाएगा कि अब हमारी ज़रूरत है इस चेंज को एक्सेप्ट करने की, इस चेंज को वेलकम करने की, और ये ज़रूरत है हमारी कि हम इस चेंज को अपने रूटीन में लाने की कोशिश करें, बिकॉज ये एक बहुत सक्सेसफुल अटेम्प्ट होगा रिगार्डिंग द मेडिकल, हम कह सकते हैं सर्विसेज मेडिकल फील्ड में या अपने मेडिकल जो वर्ल्ड में एक बहुत नया इनोवेशन है जो हमारे यहाँ पे किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे प्लेइंग आउट लाइव नैरेटिव ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, वर्कर्स से रिलेटेड है ये भी। तो एक पेंडेमिक जो है, द वॉर ऑन द पेंडेमिक इज टर्निंग आउट टू बी एन अनडिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट द वर्कर्स ऑफ इंडिया, जो वर्कर्स ऑफ इंडिया है या आदिवासीज है उनके लिए एक वॉर की तरह है जो कि बिल्कुल अनडिक्लेयर्ड था, और उस वॉर की तरह ये कोविड 19, ये पेंडेमिक जो है सामने आया है। तो कैसे जो है सरकारें इसे झेल रही है और कैसे सरकार को झेलना चाहिए, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे इस आर्टिकल में दिया गया है। बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, यू शुड गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो आज हमने पूरा न्यूज़ एनालिसिस कवर किया है। मैंने आपको बताया था कि मैं सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करूँगी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और वो सारे आर्टिकल्स मैंने आज कवर भी किए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया है, और सारे आर्टिकल्स को एक बार फिर से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए जिससे कि आपको आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। और काफ़ी सारे ऐसे फैक्ट्स को भी डिस्कस किया है जो आपके जीएस के पेपर्स में, जीएस टू और जीएस थ्री के पेपर में काम आएंगे। उसी के अलावा आपके प्रीलिम्स फैक्ट्स भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो यू नीड टू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स। ये मेरी कोशिश रहती है कि हम कुछ मिनट्स के अंदर ही आपका 1.5-2 घंटे जो आप स्पेंड करेंगे न्यूज़पेपर रीडिंग में उसे मैं कवर कर लूँ, और कुछ मिनट्स में कंप्लीट करके हम ओनली इम्पॉर्टेंट एडिशंस को, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को रीड करके और आज के न्यूज़पेपर को एनालाइज करें। ओके, सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, सी यू टुमारो अगेन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।